फोर्कलिफ्ट सुरक्षा निर्देश। फोर्कलिफ्ट का उपयोग सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने, लिए जाने और जमा कर रखने के लिए किया जाता है। जब तक फोर्कलिफ्ट का चालकों के द्वारा सुरक्षित रूप से उपयोग किया जाता है, तब तक ये कार्यस्थल पर सामान ढोने के लिए बहुत ही उपयोगी वाहन है। कार्यस्थल पर 25% दुर्घटनाएं इसके अनुचित उपयोग से होती हैं। निम्न सुरक्षा नियमों का पालन करने से आप फोर्कलिफ्ट का उपयोग करते समय सुरक्षित रूप से कार्य कर सकते हैं। फोर्कलिफ्ट का संचालन करते समय हमेशा सीट बेल्ट पहने। फोर्कलिफ्ट का संचालन करने से पहले उसकी भार उठाने की क्षमता का पता करें। फोर्कलिफ्ट संचालक को किसी भी दिखाई न देने वाले स्थान में जाने से पहले फोर्कलिफ्ट को रोककर हॉर्न बजाना चाहिए। फोर्कलिफ्ट की फोर्क्स पर बैठकर घूमना नहीं चाहिए। फोर्कलिफ्ट को हमेशा अच्छी स्थिति में रखें। फोर्कलिफ्ट शटडाउन सुरक्षा निर्देश। जो कर्मचारी कार्यस्थल पर फोर्कलिफ्ट का उपयोग करता है, उसे याद रखना चाहिए कि फोर्कलिफ्ट उसकी जिम्मेदारी है, जब तक कि यह आपकी शिफ्ट के अंत में अपनी जगह पर न लौट आए। कर्मचारी को फोर्कलिफ्ट शटडाउन करते समय इन बातों का ध्यान रखें। फोर्कलिफ्ट को उचित क्षेत्र में पार्क करें। फोर्कलिफ्ट को शटडाउन करते समय उसके फोर्क को नीचे रखें। पार्किंग करते समय फोर्कलिफ्ट को सही गियर में रखें। पार्किंग ब्रेक का उपयोग करें। इंजन को बंद करें। गैस सिलेंडर के वाल्व को बंद कर दें। लीक या क्षति की जांच करें। फोर्कलिफ्ट सेफ ड्राइव सेफ्टी टिप्स। फोर्कलिफ्ट के गलत इस्तेमाल से पैदल चलने वालों और ड्राइवरों दोनों को गंभीर चोट लग सकती है। गंभीर चोटों से बचाव के लिए फोर्कलिफ्ट सेफ ड्राइव सेफ्टी टिप्स का पालन करें। जितना संभव हो उतना कम लोड के साथ ड्राइव करें। रैंप पर लोड और अनलोड न करें। लोगों से और अन्य ट्रकों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। फोर्कलिफ्ट की गति सीमा और चेतावनी संकेतों पर ध्यान दें। चौराहों पर और उन क्षेत्रों में जहां पैदल यात्री उपस्थित हो सकते हैं, हॉर्न का उपयोग करें। केवल तभी रुकें जब आपके पास सुरक्षित रूप से रुकने के लिए पर्याप्त स्थान हो। उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी रखें जहां फोर्कलिफ्ट निषिद्ध या प्रतिबंधित हैं। फोर्कलिफ्ट ड्राइवर के लिए सेफ्टी टिप्स। फोर्कलिफ्ट एक संचालित औद्योगिक वाहन है जिसका उपयोग कम दूरी पर सामग्री को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। फोर्कलिफ्ट के गलत इस्तेमाल से पैदल चलने वालों और ड्राइवरों दोनों को गंभीर चोट लग सकती है। जब आप फोर्कलिफ्ट चलाएं, तो सीट बेल्ट पहनें। सुनिश्चित करें कि लोड स्थिर है और जितना संभव हो उतना कम लोड रखा जाए। जब लोड स्थिर नहीं हो तो इसे गिरने से रोकने के लिए स्ट्रिप का उपयोग करें। फोर्कलिफ्ट को कभी ढलान पर न खड़ा करें। यदि आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो फोर्कलिफ्ट को स्थिर करने के लिए चोक का उपयोग करें। चौराहों पर और उन क्षेत्रों में जहां पैदल यात्री उपस्थित हो सकते हैं, हॉर्न का उपयोग करें। फोर्कलिफ्ट बैटरी सुरक्षा टिप्स। फोर्कलिफ्ट बैटरी चार्ज करते समय एक से अधिक खतरे उत्पन्न हो सकते हैं और खतरों को नजरअंदाज करने पर ये गंभीर चोटों का कारण बन सकते हैं। यही कारण है कि फोर्कलिफ्ट सुरक्षा के साथ फोर्कलिफ्ट बैटरी चार्जिंग सुरक्षा टिप्स का भी पालन करें। जो कर्मचारी फोर्कलिफ्ट का संचालन करते हैं, उन्हें फोर्कलिफ्ट संचालन सुरक्षा और फोर्कलिफ्ट बैटरी चार्जिंग सुरक्षा के प्रति प्रशिक्षित करें। चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान बैटरी हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करती है, जो आग की लपटों या विस्फोट का कारण बन सकती है। कर्मचारी हमेशा निर्धारित की गई प्रक्रिया का पालन करें और फोर्कलिफ्ट बैटरी बदलते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें। फोर्कलिफ्ट बैटरी भारी होती है, उन्हें चार्जिंग स्टेशन पर ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी उपकरण को उपयोग करने से पहले उस उपकरण की जांच करें। अगर बैटरी को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण में कोई समस्या है तो उस उपकरण का उपयोग न करें। दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए फोर्कलिफ्ट बैटरी चार्जिंग स्टेशन को एक प्रशिक्षित कर्मचारी द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। फोर्कलिफ्ट बैटरी चार्जिंग स्टेशन का उपयोग केवल बैटरी बदलने और चार्ज करने के लिए किया जाना चाहिए।
फोर्कलिफ्ट बैटरी चार्जिंग स्टेशन पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, जिसमें अग्निशामक का उपयोग करना भी शामिल है।